नमस्कार, दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। 30 जुलाई को हर साल व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मानव तस्करी के शिकार हुए लोगों के अधिकारों के संरक्षण और उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। व्यक्तियों की तस्करी एक गंभीर अपराध है और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक कार्य योजना का मूल्यांकन करते हुए एक संकल्प को अपनाया था और 30 जुलाई को इस दिवस के रूप में घोषित किया था। हर साल हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपने ही देश और विदेशों में तस्करी का शिकार हो जाते हैं। दुनिया का लगभग हर देश मानव तस्करी से प्रभावित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में महिलाएं और लड़कियां तस्करों के लिए आसान शिकार होती हैं। 2003 के बाद से UNODC यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने दुनिया भर में पाए गए तस्करी के लगभग 2,25,000 पीड़ितों के बारे में जानकारी एकत्र की है। तस्करी के शिकार पाए गए मामलों में से अधिकांश यौन शोषण से संबंधित हैं, जबकि बलात्कार के लिए तस्करी किए गए लोगों में 35% महिलाएं हैं। UNODC अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNTOC और उसके प्रोटोकॉल के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। UNODC व्यक्तियों की तस्करी को रोकने, कम करने और दंडित करने से संबंधित प्रोटोकॉल लागू करने के प्रयासों में देशों की सहायता करता है।